गाइस आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए गुंतुर कारम हाईली इन्फ्लेमेबल मास स्ट्राइक फ्रॉम महेश बाबू का रिएक्शन। एंड ये है उनकी अपकमिंग मूवी है शायद गुंतुर कारम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, इसका मीनिंग क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये है कि अभी ये कल निकली है, कल रिलीज हुआ है, कल तो मैं बाहर था, आउट ऑफ सेशन था, इस वजह से इसका रिएक्शन नहीं कर पाया। सो अभी हम इसको देख रहे हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल है, सो मतलब कुछ ना कुछ तो ये फायर होने वाली है, ये मास मूवी होने वाली है जिसमें हमें अटैक देखने वाला है। और मेन चीज ये है कि अभी उनकी पुरानी मूवी पोखरी देख ही रहे हैं साथ में, हाँ। तो उसमें भी हमने उनका मास अटैक फायर वाला रूप देखा हुआ, इसे देख के ये कैसी होगी। हाँ, और कल महेश बाबू का बर्थडे भी था, इसे लगता है इसकी वजह से स्पेशली ये टीजर या फिर ट्रेलर तो है नहीं, ऑब्वियसली वाली टीजर ग्लिम्प्स कह लो, हाँ ऐसा, हाँ द काइंड ऑफ क्लिप, मतलब एक जस्ट एक झलक देखने के लिए सब फैंस में जो एक्साइटमेंट क्रिएट होगा इसकी वजह से। नेक्स्ट ईयर मूवी तो वैसे भी नेक्स्ट ईयर आने वाली है जनवरी में, तो अभी से ही थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए ये लोग थोड़ा ट्रेलर टीजर डाल रहे हैं, तो देखते हैं कैसी होगी। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट, हाँ हमारी साइड में वैसे पोखरी मूवी भी चल रही है, उसमें भी एकदम वो मास एंटरटेनमेंट मूवी थी उनकी, वो फर्स्ट वैसी मूवी थी, और अब हम ये वाली भी मूवी देख रहे हैं। इसका एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होने वाले, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद इनकी मूवी आ रही है शायद। एंड मेन चीज ये है कि लाइक एक साल तो कुछ होगा, ये भी बहुत टाइम बाद ही आने वाली है, कोई अभी तो आने नहीं, अभी नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर आएगी। एंड मेन चीज ये भी है कि महेश बाबू का आगे भी बहुत अच्छा लाइनअप है, लाइक उनकी और राजामौली सर की मूवी आने वाली है, सो बहुत बड़ी, और ऊपर से इंडियाना जोन्स टाइप बताई जा रही है वो मूवी कुछ होगी, सो बहुत मजा होगा उनके आगे की लाइनअप बहुत कमाल की, ऐसे देखते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक लोकल गाइड है दिखाया गया है, इन डाटा जो सीन बीडी 3D लोकन पड़ता है। बस इतना ही ग्लिम्स दिखाया यार, यार क्या लगते हैं। मूवी तो बहुत मस्त लग रही है, मतलब जोरदार, मतलब काइंड ऑफ लोकल वाली फीलिंग, जैसे हम बोकरी देख रहे हैं उनके तो वैसी वैसी ग्लिम्प्स, सही बात है, मुझे वैसी वाली फीलिंग आई कि मतलब वो एकदम फ्लैशबैक में वैसे के वैसे वापस आ गए। एंड महेश बाबू ही नेवर एजेस, लाइक लिटरली क्या खाते हैं, क्या 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 लगाते क्या है वो, मतलब पोखरी भी वैसे लग रहे हैं और इसमें भी इतने सालों बाद में मैं इसमें भी देखूं तो वही सेम रिजेम्बलेंस है, नथिंग चेंजेस, लाइक लिटरली नथिंग, बेटर हो जाता है, मैं हाँ और बेटर होते जा रहे हैं ना एक्टर्स जो भी हम देखते हैं रिसेंटली, क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि वो एज हो रहा है, वो लोग और बेटर दिखते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। एंड नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप एक्टर्स को ऑफ स्क्रीन देखो तो लगता है हाँ ये फर्क आया, इनके साथ ऐसा नहीं है, इनको ऑफ स्क्रीन देखो तो भी बढ़िया ही लगते हैं, वो चीज इनका बहुत तगड़ा है कि इन्होंने मेंटेन रखा हुआ अपने आप को वैसे। एंड बाकी जाते कि फिल्म की बात करें तो ये मेरे को लग रहा है कि एकदम मास अटैक वाली मूवी होगी, नाम लिखा गया हाईली इन्फ्लेमेबल, तो ये पता है किस चीज के आगे लगाया जाता है कि भाई उसको बताता है कि इसके सामने तुम जरा सा भी चिंगारी मत ले आना वरना ये तो जल ही जाएगा, तो वैसा टाइप चीज लग रहा है। एंड लाइक मेरे ख्याल से एक महेश बाबू की ऐसी मूवी चाहिए थी, बिकॉज हमने उनको थोड़ा सा एक मतलब एक बड़े रूप में देखे थे, भारत रेणु में वो एक चीफ मिनिस्टर बने थे और एक और महर्षि मूवी में भी वो एक रिच बिजनेसमैन बन चुके हैं, सो ऐसे हम उनको थोड़ा रिच वाला और एक अच्छे वर्ष करते हुए देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनको एक वापस से एक शायद गांव वाले रूप में और थोड़ा राउडी राउडी में थोड़ा वो देखने में थोड़ा ज्यादा मजा आने वाला, नीचे से उठ के आने वाले में वो देखेंगे तो शायद उसमें ज्यादा मजा आए। और अभी राउडीनेस बहुत ज्यादा चल रही है बॉलीवुड में और टॉलीवुड में, मतलब साउथ की सारी मूवीज में, मतलब वो थोड़ा एक मसाला एक वो देखने के लिए वो थोड़ा राउडीनेस लेकर आते, तो वो देखने बहुत ज्यादा मजा भी आती है कि मतलब वो एक नया एनवायरनमेंट उनके लिए भी होता है, तो वो देखने में बहुत ज्यादा, मतलब वो कैसे उस एनवायरनमेंट में कैसे वो एक गांव वाले में कैसे वो बिहेव करते हैं और सब, वो देखने में ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। फिर वो गाने भी, गाने में जिसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो बहुत जोरदार लगा, लाइक बिल्डअप वो बिल्डअप कर रहा था लाइक एनवायरनमेंट को और मूवी को भी लाइक काइंड ऑफ। और ट्रेलर मतलब उसमें जो वर्डिंग से वो तो समझ में आ नहीं पाए हमें, क्योंकि सबटाइटल्स नहीं थे, तो इसकी वजह से वो क्या डायलॉग थे वो तो आप जरूर बताइएगा डायलॉग क्या लिखे थे,
कमेंट सेक्शन में. मैंने था कि जरा 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 ऐसे करके पूरा हाइप किया गया. तो ये है कि लेकिन अभी दूर बहुत है. अभी तो जून स्टार्ट हुआ है एंड नेक्स्ट जनवरी में आएगी पोंगल के ऊपर, तो ये बहुत मजा आने वाले देखने में. मेरे ख्याल से इसका जो मेन हाइप होगा दिसंबर अराउंड बिल्ड किया जाएगा. और श्री कृष्ण गारू जी के जन्मदिन पे मतलब ये रखी गई है स्पेशली, मतलब उनको एक काइंड ऑफ एडमायरेशन वो बहुत ज्यादा करते हैं, तो उसके लिए उनके मतलब उनके रिस्पेक्ट के लिए उनके लिए मुझे पहले लगा था कि उनका बर्थडे है महेश बाबू का इसलिए रख रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि कृष्ण गारू जी का, क्योंकि नॉर्मली बर्थडे पे हमने देखा ऐसा रिलीज करते हैं. बट इस बार थोड़ा अलग किया उन्होंने एंड फिर शायद बर्थडे पे कुछ और रिलीज किया जाए, तो इस तरीके से हाइप बिल्ड की जाए. तो आप लोग कैसे लगा कमेंट जरूर बताएगा, इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए. बाय.